क्या हाल है भाइयों, आज एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं हम। और आप ये देख लो, ये है एयरटेल का बॉक्स और ये डेड है, चल नहीं रहा है। और अभी हम इसमें यहाँ पे 12 वोल्ट दे के देखते हैं। ये रखा डॉक्टर, प्रॉब्लम बता देता हूँ मैं आप में क्या है इसमें। अभी देखो मैं 12 वोल्ट ये इसके लगाने जा रहा हूँ इसमें, तो मैं इधर देखो 12 वोल्ट लगा रहा हूँ इसमें। आप इधर देखना, ये मैंने 12 वोल्ट लगाए और ये देखो अडोप्टर की लाइट गई, यानी कि बॉक्स शॉर्ट है। अभी मैं इसको निकालूंगा तो आप देख लो इंडिकेटर 12 वोल्ट अडोप्टर का। ये मैंने खींचा इसका प्लग तो ये दोबारा जल गई, तो इसका मतलब है कि इसमें 12 वोल्ट शॉर्ट है। तो चलो डब्बे को ओपन करते हैं और फॉल्ट देखते हैं कहाँ पे है ये 12 वोल्ट शॉर्ट इसके। और भाई जिसको इंटरेस्ट हो ना वीडियो में इस टाइप की, तो बाकी और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है चैनल पे, आप उनको भी जाके देखो। और मैं खोल लेता हूँ ये डब्बा। ये देखो भाई, अब मैं इसका फोल्ड चेक करूँगा कि इसमें 12 वोल्ट शॉर्ट कहाँ पे। हम सबसे पहले ये जो 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ से चेकिंग स्टार्ट करेंगे और इस साइड को चेक करते हुए जाएंगे। अब मैं इसकी चेक कर लूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि मुझे क्या फॉल्ट मिला इसमें और ये एयरटेल का बॉक्स ठीक कैसे हो पाएगा। तो मैं इसको चेक करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि इनमें मॉइस्चर इतना आ जाता है, सबसे पहले अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आए ना, सबसे पहले तो आप क्लीन कर लो डब्बे को। अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो मॉइस्चर आ जाता है, जैसे कि ये आईसी वगैरह है ना, इन पे डस्ट जम जाती है। कई बार हल्की सी सीलन भी आए ना तो भी ऐसे बिहेव कर लेते हैं ये बॉक्स। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ, देखो मॉइस्चर तो इसमें है नहीं, धूल मिट्टी जो भी थी वो निकाल दी। फॉल्ट अभी भी वैसे का वैसा ही है, एक बार फिर लगा के देख लेते हैं। ये देखो बंद हो गया लगाते ही, और अब मैं इसको खींच रहा हूँ वापसी 12 वोल्ट को, तो ये अडोप्टर जल गया। तो चलो चेक करते हैं भाई कहाँ प्रॉब्लम है, और मैं चेक कर लूँ उसके बाद बताऊँगा आपको कि इसमें फॉल्ट क्यों निकला। तो भाई हमने कर लिया इसको चेक और मैं बता देता हूँ इसमें ख़राब क्या था। इसमें लगाया डायोड, लगाया DT04, इसका ये शॉर्ट है। मैंने ये SMD मशीन से निकाल के और चेक किया तो ये शॉर्ट निकला। अच्छा, तो मैंने इसको फ़िलहाल ऐसे ही रख रखा है आपको दिखाने के लिए कि पता लग जाए आपको। ये मैं उठा लेता हूँ, ये मैंने इसकी ड्राई सोल्डिंग हटा ली थी। और अब मैं अडोप्टर चेक करवाता हूँ आपसे। तो ये देखो अभी, और मैं इसमें 12 वोल्ट लगा रहा हूँ, अडोप्टर पे भी फोकस है मेरा। और ये मैंने इसके, ये देखो 12 वोल्ट लगा दिए। अब देखो लाइट अब बंद नहीं हुई ना, और अभी मैं इसके आगे के पैनल के कनेक्शन भी करता हूँ, करना तो पड़ेगा ही ना भाई के लिए। ये देखो भाई बॉक्स हो गया रेडी, ऑफ कर देता हूँ और ऑन कर देता हूँ, तो कभी ऐसे शॉर्ट होए तो ठीक कर सकते हो। दोबारा फॉल्ट बता देता हूँ, 12 वोल्ट पे जो ये डायोड लगा था ये शॉर्ट था, इसीलिए 12 वोल्ट शॉर्ट कर रहा था। और मैंने अब इसको कर दिया है, निकाल दिया है, और निकालने के बाद अभी इसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो
इसको साइड में फेंको और आपका एयरटेल का बॉक्स हो गया है रेडी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियो तो मैं डालता ही रहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टॉपिक पर अब मेरी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आपको अच्छी लगती है ऐसी वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।